Hello friends, I welcome you all on Straight Zero channel. Once again, I am here with next awesome lecture in a series of MP at a glance. पिछले लेक्चर में हमने एमपी के रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी वेरियस फर्स्ट थिंग्स इन मध्य प्रदेश. इस टाइटल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट दिस टाइटल मींस. फर्स्ट इन मध्य प्रदेश का मतलब क्या है कि एमपी की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पहले नंबर पे हैं, एमपी में ऐसा क्या है जो टॉलेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है, बिगेस्ट है, प्लस ऐसी एमपी की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एशिया में नंबर वन पे हैं, या एमपी की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वर्ल्ड में नंबर वन पे हैं. तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे. दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें मैं जितने भी फैक्ट्स बताऊंगा दोस्तों वो वन लाइनर के तौर पे होंगे और जो आपको प्रीलिम्स के आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी मदद करेंगे. प्लस इस लेक्चर में इंफॉर्मेशन ज्यादा होने की वजह से मैंने इस लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया है. सो दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट पार्ट इन दिस लेक्चर. और मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को ना 2 से 3 बार देखें सो दैट जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से परकुलेट हो जाए और गलती होने की कोई संभावना ना रहे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले इट इज अबाउट दी बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लोएस्ट, लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट इन एमपी. तो ऐसी क्या चीजें हैं एमपी में जो बिगेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, लोएस्ट है, लार्जेस्ट है. तो शुरू करते हैं. सबसे पहला, एमपी की जो लोएस्ट प्लेस है, लोएस्ट प्लेस या हाईएस्ट प्लेस कैसे पता चलता है? जैसे कि आपको पता है जो सी लेवल होता है, सी लेवल के कंपैरिजन में किसी भी जगह की हाइट को मेजर किया जाता है. तो एमपी का ऐसा कौन सा एरिया है जिसकी अगर मैं सी लेवल से मेजर करूंगा तो हाइट सबसे कम है? वो है नर्मदा सोन की घाटी, नर्मदा सोन घाटी. ओके, एमपी की जो लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज नर्मदा. इसकी कितनी लेंथ है नर्मदा रिवर की? 1312 किलोमीटर. ये मैंने आपको ज्योग्राफी के पोर्शन में ऑलरेडी बता रखा है. ओके दोस्तों, आपको लेकिन मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट सेक्शन में कि नर्मदा की कितनी लेंथ एमपी में लाई करती है, मींस व्हाट इज द लेंथ विच नर्मदा ट्रेवर्स इन एमपी. ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में जवाब देके. एमपी का जो हॉटेस्ट प्लेस है वो क्या है? गंजबासौदा. मतलब सबसे ज्यादा एमपी में अगर गर्मी कहीं पे पड़ती है तो वो गंजबासौदा में. सबसे ज्यादा ठंड कहां पे पड़ती है एमपी में? शिवपुरी में. कूलेस्ट प्लेस है, सबसे ठंडी जगह है शिवपुरी. सबसे कम रेनफॉल एमपी में कहां पे होती है, किस डिस्ट्रिक्ट में होती है? दैट इज भिंड डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, भिंड डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम रेनफॉल होती है. अगर मैं उसकी आपसे ये पूछूं व्हाट इज अ क्वांटिटी या वैल्यू क्या है, तो ये है 55 सेंटीमीटर के अराउंड. ठीक है, सबसे ज्यादा रेनफॉल एमपी में कहां होती है? पंचमढ़ी में होती है. आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है पंचमढ़ी किस डिवीजन में और किस डिस्ट्रिक्ट में आता है. ठीक है, अच्छा, ये इसकी जो वैल्यू है वो है 212 सेंटीमीटर. जो एमपी का सबसे लार्जेस्ट और बिगेस्ट नेशनल पार्क है उसका नाम है कान्हा किसली नेशनल पार्क. एमपी का जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो कौन सा है? इटारसी जंक्शन, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था. क्या आप लोगों को इसकी लेंथ पता है? वो है 4903 किलोमीटर. इट इज द बिगेस्ट जंक्शन ऑफ एमपी. अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, एमपी में कितने जंक्शन हैं? चलिए मैं ही आपको इसका जवाब बता देता हूं. दैट इज 9 जंक्शंस आर इन एमपी. एमपी की जो हाईएस्ट प्लेस है वो है धूपगढ़, जो कि पंचमढ़ी में लाई करती है और ये है सतपुरा रेंज में. ये भी याद रखना, सतपुरा रेंज में है, जिसकी हाइट है 1350 किलोमीटर. और लोएस्ट प्लेस नर्मदा सोन की घाटी. अच्छा, सबसे बड़ा हाईवे, नेशनल हाईवे जो एमपी से पास होता है वो है NH3. लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो एमपी से पास होता है वो है NH3. शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे एमपी से जो पास होता है दैट इज NH76. एमपी की जो बिगेस्ट मॉस्क, मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद. तो सबसे बड़ी मस्जिद जो है एमपी की वो है ताजुल मस्जिद. कौन सी मस्जिद? ताजुल मस्जिद. और ये मस्जिद कहां पे है? भोपाल में है. तो आपको एक तो ये भी याद रखना है कौन सी सबसे बड़ी मस्जिद है, ताजुल मस्जिद है. कहां पे है? ये है भोपाल में. एमपी का जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है उसका नाम है फॉसिल्स नेशनल पार्क. क्या है? फॉसिल्स नेशनल पार्क. ये कहां पे है? डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में है. और अगर मैं पूछता हूं आपका लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो कान्हा किसली नेशनल पार्क. ठीक है, एमपी में सबसे ज्यादा एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? दैट इज झाबुआ. ठीक है, झाबुआ. एमपी का जो मालवा रीजन है उसमें सबसे ज्यादा वीट का प्रोडक्शन होता है. मालवा रीजन में एमपी का सबसे ज्यादा वीट का प्रोडक्शन होता है. एशिया की सबसे बड़ी
और सबसे पहली कॉटेज चीज इंडस्ट्री यानी पनीर बनाने की जो सबसे बड़ी यूनिट है एमपी की, वो कहाँ, सॉरी एमपी बोल रहा हूं मैं आपसे, एशिया की, वो कहाँ पे है? वो है खजुराहो में। यानी खजुराहो में याद रखना क्या बनता है? पनीर बनता है, ठीक है, कॉटेज चीज इंडस्ट्री। अच्छा आगे चलते हैं। लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है एमपी का वो तवा रिवर पे के ऊपर है। किस रिवर के ऊपर है? तवा रिवर के ऊपर। एमपी में जो सबसे बड़ा स्टैचू है वो स्टैचू किसका है? लॉर्ड गणेश का है। और ये कहाँ पे है? इंदौर में है। इंदौर में लॉर्ड गणेश, जो लोग इंदौर से हैं वो लोग जानते होंगे कि इंदौर का जो बड़े गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध है वो एमपी का बिगेस्ट स्टैचू है। आप लोग मुझे इसकी हाइट बताना कमेंट सेक्शन के थ्रू, ठीक है, कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है। अच्छा आगे चलते हैं। अगर एमपी का जो सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन है, जो कि मैंने आपको ज्योग्राफी जब मैं पढ़ा रहा था मध्य प्रदेश की, तो मैंने आपको बताया था एमपी में 7 फिजिकल डिवीजन हैं, तो जो सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन है वो है मालवा रीजन, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये चीज रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा फर्स्ट गो एंड वॉच दी ज्योग्राफी लेक्चर्स। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा कोल एमपी में किस जगह पे पाया जाता है? सोहागपुर एरिया में। सोहागपुर एरिया में सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है। जो बिगेस्ट आइडल है लॉर्ड शिवा का, आइडल का मतलब होता है मूर्ति, तो जो भगवान शंकर की सबसे बड़ी मूर्ति है एमपी में वो कहां पे है? भोजपुर में है। भोजपुर के मंदिर में भगवान शंकर की सबसे बड़ी मूर्ति है, ठीक है। सबसे ज्यादा बिकने वाला न्यूज़पेपर एमपी का कौन सा है? दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर इज द मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर ऑफ मध्य प्रदेश। अगर ये पूछा जाए कि एमपी का सबसे बड़ा जो डिवीजन, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डिवीजन कौन सा है, वो है इंदौर डिवीजन। सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम एमपी में किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो है शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक तरीके से क्या कहते हैं, खाने में न्यूट्रिशन की कमी होना, ठीक है ना। माल न्यूट्रिशन का यह भी मतलब होता है अंडर न्यूट्रिशन या फिर ओवर न्यूट्रिशन। आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि माल न्यूट्रिशन का मतलब न्यूट्रिशन की कमी होना खाने में, बट नहीं दोस्तों, माल न्यूट्रिशन का मतलब ओवर न्यूट्रिशन भी होता है। मतलब जो लोग ओबीस होते हैं, ओबीस मतलब मोटे होते हैं, वो भी माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन कहां पे है? शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में है। एमपी में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किसी चीज के पाए जाते हैं, तो वो किस चीज के पाए जाते हैं? टीक के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम फॉरेस्ट किस चीज के? टीक के हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू ये बताना है एमपी में फॉरेस्ट कवर कितना है। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, तो आपको मुझे ये कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना है। एमपी का जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता होगा एमपी में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 51। तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? दतिया, ओके। सबसे बड़ा डिवीजन एमपी का, अगर मैं एरिया वाइज बोलूं किसका सबसे ज्यादा एरिया है, तो आपको याद रखना है जबलपुर। और सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है? तो वो है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम का एक और नाम है, आपको मुझे बताना है क्या है। नर्मदापुरम का एक और नाम है होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद। तो ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है, लार्जेस्ट डिवीजन जबलपुर। पॉपुलेशन के बेसिस पे इंदौर जो तहसील है वो लार्जेस्ट है। इंदौर तहसील इज द लार्जेस्ट तहसील ऑफ एमपी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अजयगढ़ तहसील जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट की है वो स्मॉलेस्ट तहसील है इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से जो सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट सॉरी तहसील है एमपी की, वो है अजयगढ़ तहसील। अजयगढ़ तहसील पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आती है। सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है? इंदौर में, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ इंदौर में हुई है। कितनी हुई है? 32.9%। आप अगर रफली भी याद करें तो कम से कम 32%, यानी जो एक साल पहले 100 लोग थे इंदौर में, अब हो गए हैं 132 लोग, ठीक है। सबसे कम अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है तो कहां पे हुई है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट कितनी? 12%। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि व्हाट इज द डिकेडल ग्रोथ ऑफ एमपी, मतलब जो एमपी की डिकेडल ग्रोथ है वो कितनी है? तो वो है 20% के अराउंड है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हुई है इंदौर में और सबसे कम हुई है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। इंदौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, ठीक है। वो डिवीजन भी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डिवीजन कौन है? इंदौर डिवीजन। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट? वो भी इंदौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में माल न्यूट्रिशन की सबसे कम कमी है वो है भोपाल। माल न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे है? शिवपुर में है। सबसे कम प्रॉब्लम कहां पे है? भोपाल में है। तो प्लीज इस चीज को याद रखना। छिंदवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो एमपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा ये बताओ सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट एमपी का कौन सा है? तो अभी मैंने बताया था दतिया। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा।
सबसे ज्यादा मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है वो है भोपाल। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है वो तो इंदौर है। मैंने आपको डेंसली पॉपुलेटेड नहीं बताया था, मैंने पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट बताया था कि एमपी में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है वो तो इंदौर है, लेकिन डेंसली पॉपुलेटेड भोपाल है। डेंसली का मतलब क्या होता है कि कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो वो कौन सी जगह है? भोपाल। लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो है डिंडोरी। डिंडोरी में सिर्फ 94 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, ठीक है। सबसे ज्यादा थिकेस्ट कोल लेयर है वो कहां पे पाई जाती है? सिंगरौली में, सिंगरौली, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ स्टेट इज इंदौर। इंदौर एमपी की सबसे बड़ी सिटी है। सबसे लीस्ट सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ वुमेन पर मैन का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेक्स रेशियो। तो जो सेक्स रेशियो है वो सबसे कम कहां का है? सबसे कम चंबल डिवीजन का है। मतलब चंबल डिवीजन का जो सेक्स रेशियो है, चंबल डिवीजन में आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? मुरैना आता है, भिंड आता है, और एक और है आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो जो लीस्ट सेक्स रेशियो है वो कहां पे है? चंबल डिवीजन में। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट जो है एमपी की, वहां पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन एमपी की भोपाल में रहती है। मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन यानी शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा भोपाल में रहते हैं। डिंडोरी एमपी की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन के बेसिस पे डिंडोरी सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है, और अर्बन पॉपुलेशन के बेसिस पे सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है भोपाल। सबसे ज्यादा सिनेप्लेक्स मतलब मीडिया हाउसेस, मतलब जहां पे मूवी आप देखने जाते हो, वो कहां पे है? इंदौर में है। एमपी की जो सबसे बड़ी ट्राइब है वो है भील ट्राइब। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू एक जवाब देना कि एमपी की जो सेकंड बिगेस्ट ट्राइब है वो कौन सी है। फर्स्ट तो हो गई भील। डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो लीस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट है। इरिगेटेड मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था इरिगेशन का मतलब क्या होता है, तो जो लीस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट है वो है डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे बात की जाए तो एमपी का जो सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है वो है आगरमालवा। अच्छा, एरिया वाइज में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? फिर दतिया। अच्छा, अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ एरिया, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? छिंदवाड़ा। पॉपुलेशन के बेसिस पे सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? इंदौर, ठीक है। प्लीज आप ये इनको बार बार इस वीडियो को देखना सो दैट ये डेटा आपको अच्छे से आपके दिमाग में परकुलेट हो जाए। खंडवा एमपी का सबसे बड़ा और क्या कहते हैं, साजापुर एमपी का सबसे छोटा फॉरेस्ट जोन है। फॉरेस्ट जोन का मतलब कि नंबर ऑफ फॉरेस्ट या एरिया अंडर फॉरेस्ट इज मैक्सिमम इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज लीस्ट इन साजापुर डिस्ट्रिक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की है तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जबलपुर। लिटरेसी रेट सबसे कम है अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज्यादा जबलपुर, सबसे कम अलीराजपुर। अगर ये बात की जाए कि मेल और फीमेल दोनों में सबसे कम लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट की है तो वो है अलीराजपुर। हाईएस्ट लिटरेसी रेट आदमियों में अमंग मेन वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो है इंदौर में। तो इंदौर के जो आदमी लोग हैं वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। भोपाल की जो औरतें हैं वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हुई हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं। मतलब हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज इन भोपाल डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज्यादा जानवर पाया जाने वाला एमपी में कौन सा है? वो है चीतल। चीतल, ठीक है, चीतल इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड वाइल्ड एनिमल। सबसे ज्यादा एससी की पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? उज्जैन में, परसेंटेज वाइज। अगर जैसे मान लो वहां पे 100 लोग हैं, परसेंटेज वाइज का क्या मतलब हुआ ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। जैसे 100 लोग हैं, 100 में से 40 लोग एससी हैं, तो कितनी परसेंटेज हो गई? 40%। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पे 50 लोग हैं, 50 एससी हैं, लेकिन 200 लोगों में से, तो इसकी परसेंटेज कितनी हो गई? 25%। तो भले ही यहां पे नंबर में ज्यादा है लेकिन परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहां पे है? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। हाईएस्ट एससी की जो पॉपुलेशन है नंबर वाइज झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। किस डिस्ट्रिक्ट में? झाबुआ। परसेंटेज वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में? उज्जैन में। सबसे ज्यादा एसटी की पॉपुलेशन अगर कहीं पे सबसे ज्यादा है परसेंटेज वाइज तो वो है अलीराजपुर में। आगे चलते हैं, एसटी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नंबर वाइज मतलब गिनती अगर मैं 1, 2, 3 ऐसे काउंट करूं तो सबसे ज्यादा एसटी की पॉपुलेशन है धार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। धार ये वही डिस्ट्रिक्ट है जिसपे एक टाइम पे राजा भोज रूल किया करते थे। कौन? राजा भोज। He is the most celebrated king among the MP rulers. ठीक है, राजा भोज। ये जब मैं आपके साथ हिस्ट्री की बात करूंगा मध्य प्रदेश की तो उसमें ये इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा, बट फॉर राइट नाउ इट इज द हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन विच लिव्स इन धार डिस्ट्रिक्ट।
सबसे कम एसटी की पॉपुलेशन, चाहे मैं नंबर वाइज बोलूं या परसेंटेज वाइज बोलूं, तो वो भिंड डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, भिंड डिस्ट्रिक्ट में नंबर वाइज और परसेंटेज वाइज सबसे कम एसटी रहते हैं। एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब। सबसे ज्यादा कहां पे रहते हैं? धार में। नंबर वाइज सबसे ज्यादा कहां रहते हैं एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज? तो दैट वाज झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। लेट अस चेक, सॉरी आई वाज रॉन्ग, इट वाज अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज्यादा एसटी की पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट फैक्ट वॉज कि सबसे कम एसटी की, एससी की पॉपुलेशन मतलब शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन नंबर वाइज, झाबुआ में सबसे कम एससी की पॉपुलेशन रहती है नंबर वाइज, और सबसे ज्यादा नंबर वाइज अगर एससी की पॉपुलेशन कहां रहती है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। इससे पहले जो मैंने फैक्ट डिस्कस किया था वो था हाइएस्ट एससी की पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज, तो उज्जैन में है, लेकिन अगर नंबर वाइज करूं तो इंदौर में होगी। हाइएस्ट एससी की पॉपुलेशन नंबर वाइज झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, और अगर परसेंटेज वाइज की जाए तो इट इज इन एससी की पॉपुलेशन है। अच्छा सॉरी, वो तो फैक्ट मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुका हूं कि परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो दैट वाज इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। चलिए आगे चलते हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ अगर किसी डिवीजन की रजिस्टर की गई है तो वो है 26%, ये डिवीजन की ग्रोथ है। लेकिन अगर इंदौर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वहां पे कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन? 32%। डिवीजन की बात की जाए तो इंदौर डिवीजन की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ी है, और कितनी बढ़ी है? 26%। आगे चलते हैं। फर्स्ट पर्सन इन एमपी, तो एमपी के जो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ला। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ला वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एमपी। पहले गवर्नर एमपी के कौन है? पतावी सीतारमैया। पतावी सीतारमैया वॉज द फर्स्ट गवर्नर। पहले लेजिस्लेटिव स्पीकर कौन है? कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे। पहली वुमेन गवर्नर कौन थी? सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एमपी। सबसे पहली चीफ मिनिस्टर औरतों में सबसे पहली चीफ मिनिस्टर कौन थी? उमा भारती। पहला चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के बारे में मैंने पॉलिटी सेक्शन में बताया था, व्हाट इज मेंट बाय चीफ सेक्रेटरी। ही चीफ सेक्रेटरी पोस्ट इज द हाईएस्ट ऑफिशियल परमानेंट पोस्ट इन एनी स्टेट, मतलब किसी भी स्टेट की जो ऑफिशियल परमानेंट पोस्ट होती है वो होती है चीफ सेक्रेटरी की। अच्छा, इंडिया लेवल पे कौन सी पोस्ट होती है? कैबिनेट सेक्रेटरी की। ठीक है, तो चीफ सेक्रेटरी कौन थे? पहले एचएस कामत। पहले लीडर ऑफ अपोजिशन थे विष्णु नाथ तामस्कर। फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी अगर पूछा जाए तो वो है निर्मला बुच। निर्मला बुच वॉज दी फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी। पहली ट्राइबल वुमेन गवर्नर कौन है? उर्मिला सिंह। हिमाचल प्रदेश की ये बनी थी, ये एमपी से, और उर्मिला सिंह। ठीक है, पहली वुमेन लीडर ऑफ अपोजिशन, आई डोंट थिंक सो इट इज दैट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू फॉर द सेक ऑफ टेलिंग। जमुना देवी पहली वुमेन लीडर ऑफ अपोजिशन है। पहला नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर एमपी का कौन बना था? कैलाश जोशी। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, एमपी से जो पहला फाइनेंस कमीशन बना, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने थे वो थी शीतला सहाय। पहले इलेक्शन कमिश्नर एनबी लोहानी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर टीएन श्रीवास्तव। पहले लोकायुक्त एमपी के पीवी दीक्षित। लोकायुक्त का क्या मतलब होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे कि ये एक तरीके से करप्शन ओम्बड्समैन होता है, मतलब जो करप्शन को देखता है गवर्नमेंट मशीनरीज, पीएसयूज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज में, स्टेट लेवल पे, उसको लोकायुक्ता बोलते हैं। अगर यही पोस्ट को मैं इंडिया लेवल पे बात करूं तो इसी इंसान को लोकपाल बोला जाता है। तो फर्स्ट लोकायुक्ता कौन थे? पीवी दीक्षित। पहले चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड वो थे पीसी सेठी। पहले वाइस चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, वाइस चेयरमैन की बात की जाए तो दयाशंकर नाग। पहले आईपीएस वुमेन ऑफिसर कुमारी आशा गोपाल। ठीक है, आशा गोपाल वॉज दी फर्स्ट आईपीएस वुमेन ऑफ एमपी। और अगर आईएएस की बात की जाए तो वो निर्मला बुच। निर्मला बुच का हमने थोड़ी देर पहले भी नाम पढ़ा था, तो वो पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी थी। आईएएस ही प्रमोट होके चीफ सेक्रेटरी बनता है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन वो डीवी रेड्डी। आगे चलते हैं। पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर कौन थे? वीरेंद्र सकलेचा। मतलब नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर पहले वीरेंद्र सकलेचा। पहले एडवोकेट जनरल डॉक्टर धर्माधिकारी।
पहले एडवोकेट जनरल। अच्छा ये बताइए एडवोकेट जनरल कौन होता है? देखिए आपको पता है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो उसके खिलाफ लोग केस करते हैं, केस करते हैं तो यानी इसको बोलते हैं लिटिगेशन। जब लिटिगेशन होता है गवर्नमेंट के खिलाफ तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई तो चाहिए जो गवर्नमेंट की पैरवी करे, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़े। तो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट को क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है। अच्छा इंडिया लेवल पे अगर मान लो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा फिर? तो इसी इसी के लिए होता है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो पहले एडवोकेट जनरल एमपी के थे धर्माधिकारी अधिकारी, ठीक है, धर्म अधिकारी ऐसे याद कर सकते हो। डिप्यूटी स्पीकर विष्णु विनायक सरवते, फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर। पहली वुमेन जज जो एमपी की थी वो थी सरोजनी सक्सेना। पहले आईजीपी एमपी के जो पहले आईजीपी थे वो थे बीजी घाटे। पहले डीजीपी कौन थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पुलिस रैंकिंग में सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल होता है, तो जो हाईएस्ट ऑफिशियल जो है वो डीजीपी एमपी का सबसे पहला कौन था? बीपी दुबे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बाद आता है असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसके बाद आता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, और फिर उसके बाद आता है डीआईजी। डीआईजी का मतलब डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आपको ये बताना है मुझे कि एमपी में कितने आईजी रेंज है, मतलब इंस्पेक्टर जनरल रेंज कितने हैं एमपी में? कमेंट सेक्शन में आप इसका मुझे जवाब दोगे, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कितने डीआईजी रेंज है। आपको मैं चलो क्या कहते हैं बता देता हूं, 11 आईजी रेंज है और 15 डीआईजी रेंज है। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट इन एशिया, मतलब एमपी की कुछ ऐसी चीजें जो एशिया में पहले नंबर पे हैं, जैसे कि जो बिगेस्ट मॉस्क है एशिया की वो ताजुल मस्जिद है जो कि भोपाल में पाई जाती है। एशिया का जो सबसे पहला लेजर रिसर्च सेंटर है वो कहां पे बनाया गया था? इंदौर में बनाया गया था। एशिया का सबसे पहला लेजर रिसर्च सेंटर कहां बनाया गया था? इंदौर में। एशिया की जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रमाइस है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है किसी भी जगह का, कोर्ट जो है किसी डिस्ट्रिक्ट का, एशिया में सबसे बड़ा वो कहां का है? भोपाल में। एशिया की सबसे बड़ा सोयाबीन का प्लांट कहां पर है? उज्जैन में। पहला फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल एमपी का या फिर एशिया का, सॉरी एशिया का सबसे पहला फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल कहां पर खोला गया? ग्वालियर में। फर्स्ट स्टेट पूरी दुनिया में जो पहला स्टेट अगर कोई है वो है मध्य प्रदेश, किस चीज में? सीनियर सिटीजन को रिहैबिलिटेट करने की पॉलिसी बनाने में। सीनियर सिटीजन, कोई भी इंसान सीनियर सिटीजन कब काउंट किया जाता है? जब उसकी एज 60 प्लस हो जाती है, मतलब कोई भी इंसान जिसकी 60 साल से ज्यादा उम्र है उसको सीनियर सिटीजन बोलते हैं। अब ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है, एड की जरूरत होती है, नीड मतलब इनकी ख्याल रखने की जरूरत होती है, तो इनको रिहैबिलिटेट करने की पॉलिसी में एमपी पहले नंबर पे आता है दुनिया में। ऐसा माना जाता है कि जो जीरो का आविष्कार किया था सबसे पहली बार, पहले तो बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि जीरो का आविष्कार किसने किया था। जीरो का आविष्कार सबसे पहली बार किया था ब्रह्मा गुप्ता ने, ब्रह्मा गुप्ता, ही वॉज दी मैथमेटिशियन, एंशियंट मैथमेटिशियन। और इन्होंने कहां पे किया था ब्रह्मा गुप्ता ने? उज्जैन में बैठ के, ठीक है, उज्जैन में बैठ के। एशिया का सबसे बड़ा कॉटेज चीज इंडस्ट्री यानी पनीर बनाने का प्लांट कहां पे है? खजुराहो में। ये एशिया का सबसे बड़ा चीज प्लांट है। फैसला, ये एक फिल्म है जो भील की लैंग्वेज में बनाई गई है और ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई थी, तो मतलब सबसे पहली भील लैंग्वेज यानी ट्राइबल लैंग्वेज में कोई मूवी बनाई गई है तो वो फैसला मूवी है और जो कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई थी। वर्ल्ड की सबसे पहली काउ सेंचुरी, जिसको कामधेनु काउ सेंचुरी से नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड की सबसे पहली काउ सेंचुरी है, मतलब जहां पे काउ को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखा जाता है, वो कहां पे बनाया गया? शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में, एमपी के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में। और किस गांव में? सलारिया गांव में। एक बार मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, सलारिया गांव विलेज इन सनसर तहसील, इन सनसर तहसील। दुनिया का सबसे पहला ट्राइबल कम्युनिटी रेडियो सेंटर, मतलब ट्राइबल लोग जहां पे रहते हैं उसको बोलते हैं ट्राइबल एरिया, और उनके लिए रेडियो सेंटर सबसे पहला दुनिया का कहां पे बनाया गया? अलीराजपुर। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा एशिया का अंडरग्राउंड मैग्नीज माइन, मैग्नीज की माइन कहां पे है? बालाघाट में। मैं एरिया भी बता देता हूं आपको, मलांजखंड इसमें नहीं आएगा, मैग्नीज की माइन इज बालाघाट। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा मड डैम, ठीक है, मड डैम कहां पे है? संजय सरोवर, संजय सरोवर एशिया का ये सबसे बड़ा डैम है मड का। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये कहां पे है? मतलब इंदिरा गांधी के नाम से राष्ट्रीय
ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? अमरकंटक। और अमरकंटक किस डिस्ट्रिक्ट में है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। मैं जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैंने जो भी फैक्ट और फिगर आपको बताए हैं वो मैंने इन बुक्स को रेफर करके बताए हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट या डिस्क्रिपेंसी लगती है तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको पिछले लेक्चरों की तरह ये भी लेक्चर पसंद आएगा दोस्तों। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन। और आप अगर मेरे किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लस आप चाहते हैं अगर आपको पर्सनलाइज नोटिफिकेशन आए तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे जो कि है straight01990@gmail.com पे मेल करके पूछ सकते हैं। आप अगर मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हैं जो मैं अपने वीडियोस में इनकॉर्पोरेट करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो पहले बनाऊं तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा आपकी रिक्वेस्ट को जल्द से जल्द कवर कर सकूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड आई विल प्रे कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चले। चलिए, सी यू, बाय बाय, थैंक यू।